सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मोटो के G24 पावर फोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक बना लगा इसके अपने फोन में नेट स्पीड इंडिकेटर गाइस कैसे शो करेंगे अपने फोन के स्टेटस बार में, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपको भी अपने फोन के स्टेटस बार में गाइस नेट स्पीड इंडिकेटर का शो करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते गाइस अपने फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले गाइज अपन जो है सेटिंग ऑन करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये वाला फीचर गाइज आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग के जरिए ऑन करना रहेगा। इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में जो है बैक चले जाना है, देन आपको प्ले स्टोर पर गाइज क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको देखिए सर्च कर लेना है नेट स्पीड इंडिकेटर को। आप इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर वाला ऐप्स मिलेगा, आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इसको मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको मैं गाइज ओपन कर लेता हूँ तो मुझे आपको यहाँ पर देखिए इंटरफेस होगा जहाँ पे आपको देखिए इनेबल इंडिकेटर पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से गाइज आपको अपने फ़ोन में नेट स्पीड इंडिकेटर बिल्कुल शो होने लगेगा अपने फ़ोन के स्टेटस बार में। आपको गाइज जैसे कि आपको फ़ोन में जो है KBPS एंड आपको MBPS की स्पीड चाहिए यानी कि आपको चेक करना है तो आप उस टाइम पर गाइज अपने फ़ोन में नेट स्पीड इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर गाइज देखिए और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते तो अपने फ़ोन में अपने हिसाब से ऑन कर लेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।